आंकड़ा के हिसाब से देखें तो 3+ होना चाहिए और 3 मिल रहा है, 3 आपको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एक का औथ और कुछ दिन बाद होगा, 2 का औथ कल होने वाला है। यानी कुल सर टोटल कितने सर माने जाए, 4 नहीं, कुछ लोगों का कई सारे मिनिस्ट्री अभी नहीं हो रहा है, जब और कुछ मिनिस्ट्री जो बच जाएगा वो नेक्स्ट टाइम होगा, महीना 2 महीने के अंदर होगा, उसी समय और एक लिया जाएगा। 4 माने जाए या सर कुछ उसे बनता, तो अब 3 तो मिनिस्ट्री मान के ही चल गया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। नीतीश कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें आरजेडी से 17, जेडीयू से 13, कांग्रेस पार्टी से 3 और निर्दलीय से 1 और हम से 1 मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में आज बिहार में कांग्रेस कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया और झंडोत्तोलन के तुरंत बाद कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की तरफ से नामों पर खुलासा किया गया है। यानी कि अब भक्त चरण दास ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस से वो कौन से 3 लोग हैं जिन्हें नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि इसे लेकर नामों पर मुहर जो है वो कल लगेगी, कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बैठक है अब वो होने वाली है, लेकिन इससे पहले आज कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस नीतीश कैबिनेट में शामिल हो रही है और वो 3 नाम कौन है इस बात का भी खुलासा हुआ है। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास का, खास करके जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है महागठबंधन की और सरकार किस तरह से काम करेगी, ये सब कुछ बता रहे हैं आप खुद उनसे ही। उसका बात आज नहीं है, आज देश बचाने की जरूरत है, है देश बेचने वालों से देश को बचाने की जरूरत थी, ने आज सबको एक कर दिया बिहार राज्य में और देश को एक दिशा, एक निर्देश, एक मैसेज गया है। उसमें जो सही है, संभव है, जो हमें मिल रहा है आंकड़ा के हिसाब से देखें तो 3+ होना चाहिए और 3 मिल रहा है, 3 आपको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एक का औथ और कुछ दिन बाद होगा, 2 का औथ कल होने वाला है। यानी कुल सर टोटल कितने सर माने जाए, 4 नहीं, कुछ लोगों का कई सारे मिनिस्ट्री अभी नहीं हो रहा है, जब और कुछ मिनिस्ट्री जो बच जाएगा वो नेक्स्ट टाइम होगा, महीना 2 महीने के अंदर होगा, उसी समय और एक लिया जाएगा। 4 माने जाए या सर कुछ उसे भी एक्स्ट्रा सर बनता है, तो अब 3 तो मिनिस्ट्री मान के ही चल गया सर। या क्या बीजेपी कोटे से जो है वो मिलेगा या फिर कुछ नया जो है वो हमने उतना डिटेल में नहीं गया क्योंकि उस क्रम में नहीं है। जब तिरंगा के तले हैं तो देश के लिए बोल रहे हैं, देश के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस देश के लिए खड़ा होता है। ऐसे विचार से ऊपर उठकर, हाँ, व्यक्तिगत विचार से ऊपर उठ करके बिहार राज्य की संरचना, बिहार राज्य की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आज के दिन हमें जिनके लिए तिरंगा बना है, लड़ा है, लड़ने के लिए उनको आदर करना है, सम्मान करना है। का हम कर रहे हैं सदाकत आश्रम एक ऐतिहासिक स्थल बाबू थे और इस आश्रम की महिमा और यहाँ की फ्लाई होस्टिंग का कुछ अर्थ रहता है कि तिरंगा यूँ नहीं होता है, उसके पीछे जो देश की अवाम का जो बलिदान है, अवाम के साथ का देश के नेताओं का, भारतीय जातीय कांग्रेस के एक से एक बड़े बड़े महान विभूति जिन्होंने देश को आज़ाद करने का पीड़ा उठाया, संकल्पबद्ध होकर जो काम किया है, जिसके बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं, पूरा देश पूरे विश्व में एक महान देश बन के खड़ा है। इस देश की गरिमा गौरवमयी गाथा और तिरंगा का सम्मान करते रहने की आवश्यकता है। तिरंगा के तले अवाम में खुशहाली होना चाहिए, गरीब, दलित, शोषित, महिला, नौजवान और अक्लियत, सारे लोग, सारे जाति वर्ण धर्म के लोगों का खुशी से तिरंगा को लेके गर्व करें, ऐसा एहसास होना चाहिए, ऐसा प्रशासन होना चाहिए, ऐसा संविधान का सुरक्षा होना चाहिए जिस संविधान के तहत सभी लोगों को आश्रय मिला है। वैसे ही ऐसे नहीं हो, गैर की भावना, हिंसा की भावना पैदा नहीं होना चाहिए। अहिंसात्मक लड़ाई से ही देश आज़ाद हुआ था और उस लड़ाई को भूल नहीं जाना चाहिए। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनको ज़रा याद करो कुर्बानी।
कल सर एक्सपेंसर होने वाला है, क्या कुछ अपेक्षा है, कितने कितनी बर्थ मिलने वाली है? माया कसी सत्य सा